हाथ से हाथ कोई छूट गया। तो बताओ निकाह कब करना है? मैं मारिफ अली के रिश्ते के लिए मान गई हूँ, तुम इतना खुश क्यों हो रही हो? लीना के रिश्ते के लिए मानी हूँ, तुम्हारे रिश्ते के लिए नहीं। और अगर मारिफ अली से मेरी शादी की सिर्फ बात भी हो गई ना, तो तुम्हारी मारिफ अली से शादी हो ही नहीं सकती। मैं हमाद से मंगनी तोड़ रही और उसका घर छोड़ के जा रही हूँ। तुम मुझे तलाक दे दो। मुझसे निकाह करके मोहब्बत करके पछता रही हो? ठीक है, अगर मुझसे तलाक लेगी तुम्हारी जिंदगी आसान होती है। ठीक है, तुम्हारे लिए आसानी कर देता हूँ। मतलब तुम वर्दा को घर के बाहर छोड़ के दरवाजे से ही वापस चले गए? तो क्या करता? और क्या करता? अंदर आते, मुझसे मिलते। तुम शायद भूल रही हो, मेरी मंगनी वर्दा से हुई है, तुमसे नहीं। मंगनी नहीं हुई तो क्या हुआ? मोहब्बत तो तुम करते हो ना मुझसे। अच्छा ये बताओ क्या कहा वर्दा ने? वर्दा क्या कह रही थी ये छोड़, ये बताओ अब हमें क्या करना? हमें क्या करना था? वर्दा ने खुद मना कर दिया है कि वो तुमसे शादी नहीं करेगी, तो हमें इस तरह शादी करने की क्या जरूरत है? उसके बोलने से क्या फर्क पड़ता है? ना तो उसके बोलने से मंगनी हुई थी और ना ही टूटेगी। लेकिन मैंने तो मम्मा को सब कुछ बता दिया। क्या मतलब? वर्दा का तुमसे शादी का इनकार, तुम्हारा मुझसे शादी का इकरार। लीना अभी ये सब बताने की क्या जरूरत थी उनको? मुझ पर क्यों गुस्सा हो रहे? ये मत भूलो, अगर तुम थोड़ी सी हिम्मत कर लेते ना, तो आज वर्दा ऐसे हमें आंखें नहीं दिखाती। वर्दा जो कर रही है उसे करने दो, अब हम वही करेंगे जो हम चाहेंगे। ठीक कहा था मामा ने, शादी हमारी मोहब्बत की तरह नहीं, क्या आग भर के देखा और हो गई। इतनी मोहब्बत के बदले तुम्हारी इतनी सी हिम्मत, मैंने तलाक का नाम कह लिया और तुम देने के लिए राजी भी हो गए। और क्या कहूं, क्या कहूं? और वो ही कहूं जो मैं अपने घर वालों से कहती आई। तुम्हारे घर वाले तुम्हें कुछ भी कहते होंगे, इन तलाक का नाम नहीं लेते होंगे। हमारे घर वाले हमारे निकाह के बारे में नहीं जानते, लेकिन तुम तो जानते हो ना। फिर भी मैंने तुमसे तलाक की बात उस तरीके से नहीं की जिस तरीके से मेरे घर वाले मेरे सामने करते हैं। जब वो हमारे निकाह के बारे में नहीं जानते तो वो तलाक की बात कैसे कर सकते हैं? वो तलाक की बात ना भी करे तो मुझे सुनाई देती है। वो जब जब मेरे और जेब के रिश्ते के बारे में बात करते हैं, समझो हमारी तलाक के बारे में बात करते हैं। इतनी सी बात क्यों नहीं समझ में आती है? बात समझ में आ रही है, तुम्हारी समझ नहीं आ रही। मैंने अपना आप तुम्हारे सामने रख दिया और तुम्हें नहीं समझ में आ रही। ठीक है, तुम जैसा कहोगी मैं बिल्कुल वैसे करूंगा, लेकिन मोहब्बत में खुदकुशी नहीं। क्या लूं? और क्या? जिस तरह तुम्हारे घर वाले तुमसे उज़ैब की शादी की बात करते हैं और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी तलाक की बात हो रही है, बिल्कुल उसी तरह जब तुम मुझसे तलाक की बात करती हो तो मुझे लगता है कि मेरे मरने की बात कर रही हो। मरने से डरता नहीं हूं मैं, डरता नहीं हूं मरने से। इस तरह के मरने से डरता हूं। इस तरह के मरने से कि चुपचाप के निकाह को खत्म करने के लिए चुपचाप तलाक दे दूं। ये खुदकुशी नहीं तो और क्या है नूर? और क्या है? तो तुम चाहते हो
कि हमारी तलाक से पहले मेरे घर वालों के सामने हमारे निकाह की बात आ जाए। हाँ देखो, हो सकता है ना कि वो हमें बख्श दे, हमें कबूल कर ले, हो सकता है ना। वो तो घर वाले हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन तुमने मेरी जबान से तलाक का नाम सुन के मुझे थप्पड़ क्यों नहीं मारा? क्यों नहीं मारा? प्यार से क्यों नहीं कहा कि तुम मुझे तलाक नहीं दोगे? तुम मुझे नहीं दोगे तलाक? क्यों नहीं कहा तुमने? ये पैसे जल्दी से लेकर आओ, ये सामान। जी बेगम सर। भाभी, ये नूर और लीना क्या साथ गई हैं बाहर? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। लीना मुझे बता कर गई है, अगर नूर उसके साथ होती तो उसका भी बताती। लेकिन तुम परेशान ना हो, दोनों आती ही होंगी। मामा की कॉल है। जी मामा। हमाद, वरदा तुम्हारे साथ है? मेरे साथ क्यों होगी वो? तुमने उसे उसकी फ्रेंड के घर से पिक नहीं किया? मुझे तो उसने ऐसा कुछ नहीं बोला। इसमें उसके बोलने की क्या जरूरत थी? तुम्हें खुद भी तो एहसास होना चाहिए। फौरन जाओ, उसे पिक करके आओ, तुम्हारे अब्बू घर वापस आने वाले होंगे। क्या हुआ है? वरदा घर नहीं पहुंची अभी तक। तो मम्मी परेशान हो रही? और मामा की वजह से तुम परेशान हो रहे है ना? मेरे घर तो थोड़ी देर के लिए आई, फिर कहाँ चली गई? कॉल करके पूछो उसे। वो ही कर रहा हूँ। नंबर स्विच ऑफ जा रहा है। तुम क्यों इतना फिक्रमंद हो रहे हो? तुम्हारे घर पहुंचने तक पहुंच जाएगी वो। चलो अब। इशरत को क्या हुआ है? क्यों, क्या हुआ उसे? जब से वकील साहब के पास से होकर आई है, काफी परेशान लग रही है। वकील साहब ने तो कुछ ऐसा नहीं कहा जिस पे वो परेशान। ऐसी बात नहीं है या आप बताना नहीं चाह रहे? तुम ये समझ रही हो कि मैं तुमसे कुछ छुपा रहा हूं? मैं ये कहना चाह रही हूं कि वकील साहब ने जो कुछ भी कहा होगा आपके सामने ही कहा होगा ना? कहा ना, कैसी कोई बात नहीं। अच्छा जाओ, मुझे एक कप चाय ला। अच्छा।
वालेकुम सलाम। क्या बात है, तुम परेशान क्यों? नहीं, मैं क्यों परेशान होंगी? वरदा घर पर नहीं है? उसी की राह तो देख रही हूँ। हमाद बस उसको लेकर आता ही होगा। लेकिन ये तो यूनिवर्सिटी से आने का टाइम नहीं है, कहाँ से लेकर आता होगा? वो असल में यूनिवर्सिटी के बाद अपनी एक फ्रेंड की तरफ चली गई है। अपनी दोस्त की तरफ के तुम्हारे बेटे की दोस्त की तरफ? बुरहान, इसमें हमाद का कोई कसूर नहीं। वरदा ने जिद की थी कि मुझे लीना के घर ड्रॉप करो, बस हमाद उसको लेकर आने ही वाला होगा। लो आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वरदा कहाँ है, तुम्हारे साथ नहीं है? मैंने तुम्हें कहा था ना उसकी दोस्त की तरफ से पिक करके आना। वो तो दोपहर में ही दोस्त की तरफ से वापस चली गई थी। तो अभी तक घर क्यों नहीं आई? ये तो मैं नहीं जानता। कैसे नहीं जानते? तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारे साथ गई थी। और ये खबर तुम्हें कहां से मिली कि वो दोपहर को वहां से चली गई थी? उसकी दोस्त लीना ने। अगर हमाद से ये सारी बातें सुनने जाना था तो क्या जरूरत थी उससे मिलने की? ये सब तो मैं तुम्हें पहले बोल रही थी। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि आप जो भी कहेंगी वो मैं करूँगी। हमाद की तरह बात से मुकर तो नहीं जाओगी? मैंने आपकी बात मान ली है ना मम्मा, अब आप भी मेरी बात का एतबार कर लें। तुम्हारा एतबार तो मैं कर लूँ, लेकिन जिसकी ना के भरोसे तुम मुझे हाँ कर रही हो, कलकला को अगर दोबारा वो हाँ करने आ गया। नहीं मम्मा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इस बार मैं खुद ना करके आई हूँ। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। अच्छा तो किया है, बस प्लीज अब आप मेरे साथ कुछ बुरा मत कर दीजिएगा। मतलब एक बार तो मैंने अपना फैसला बदलते हुए हमाद की बजाय मारफ अली का नाम ले लिया, और अब कुछ भी हो जाए मैं इस फैसले को नहीं बदलूंगी। बस अब आप भी मारुफ अली की बजाय किसी और का नाम नहीं लेंगे। मैं क्यों लूंगी? बल्कि नूर ने तो मारुफ अली से बात भी कर ली है। तुम्हारे बाबा जान और चची जान भी मान गए। सबके मानने से क्या होता है, नूर का मानना बहुत जरूरी है। मेरा मतलब है मारुफ अली का मानना बहुत जरूरी है। उसकी मर्जी तो इस घर के बाहर चलती है, जब इस घर में आएगा सबसे मिलेगा तो मान भी जाएगा। आपको ये तसल्ली किसने दी? मेरे दिल ने कहा। मान देती हूँ, आपकी भी मान लेती हूँ, आपके दिल की भी मान लेती हूँ मेरी बच्ची। देखना तुम मेरे इस फैसले से बहुत खुश रहोगी। अगले एक घंटे में अगर वरदा ना आई ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी औलाद हो। डैड मुझ पे क्यों गुस्सा हो रहे हैं? इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे वरदा की तरफ से तुम पर एतबार उठ गया है, ये कसूर है तुम्हारा। बुरहान, आपको हमाद पे एतबार नहीं करना तो मत करें, लेकिन उस पे शक नहीं करें। शक नहीं करूं तो और क्या करूं? हमारी बच्ची सुबह से गायब है, किसी को कोई खबर नहीं है। फौरन ढूंढो उसे, वरदा मिलेगी तो घर में दाखिल होगी, समझ गए? जाओ ढूंढ कर लाओ उसे। तुम यहां सर झुकाए खड़े क्या कर रहे हो? जाओ जाके लीना से पूछो कि वरदा कहां चली गई और क्या कह रही थी। जाओ। ये लो। ये क्या है? तुम्हारे मरहूम बाप का हुक्म है। वकील ने अपने हिस्से का काम कर दिया और मैंने अपने हिस्से का। अब तुम्हारी बारी है, इसे देख लो, अच्छे तरीके से पढ़ लो, समझ आए तो साइन कर देना, ना समझ आए
तो भी कर देना। अगर ऐसी बात है तो बिना पढ़े ही साइन कर देती हूँ। उससे मिलाएं? किससे? अब ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा। जी मिलाई हूं। आखिरी बार? अब कभी नहीं जाऊंगी उससे मिलने के लिए। अब वो आएगा। मेरा मतलब है कि लीना के रिश्ते के लिए। सिर्फ रिश्ते के लिए आएगा या मान भी गया है? आने के लिए मान गया तो रिश्ते के लिए भी मान जाएगा, लेकिन मेरे मन आने से या उसके मान जाने से क्या हो जाता है? जब तक आप लोग नहीं मानते। तुमने मुझे जैसा कहने को कहा था ना, मैंने मामा को बिल्कुल वैसा ही कह दिया। और तुम्हें पता है, मैंने उनको इस बात का यकीन भी दिला दिया। अपनी अम्मी की बात बाद में करना, पहले ये बताओ तुम्हारे अलावा वर्दा किस दोस्त तरफ जा सकती है? वो आई नहीं अभी तक घर। घर पहुंची होती तुमसे ऐसा पूछ रहा होता। तुम मुझ पे क्यों गुस्सा हो रहे? यार मैं गुस्सा नहीं हो रहा, परेशान हो रहा हूँ। परेशान उस वर्दा के लिए नहीं, उसकी वजह से हो रहा हूँ। एक ही बात है, उस वर्दा की वजह से मेरे बाप ने मुझे सड़क पे लाके खड़ा कर दिया। कहते हैं जाके उसके ढूंढ कर लेकर आओ, वरना तुम भी घर मत आना। तो ये कहां चली गई? मेरी तरफ से तुम्हारी जान। मम्मा बता रही थी कि नूर ने तुम्हारे लिए अपना दिल बहुत बड़ा कर लिया। मारूफ अली को मेरे रिश्ते के लिए घर इनवाइट किया। छोटे दिलों से मोहब्बतें नहीं होती, इसलिए दिल बड़ा करके उसे इनवाइट भी कर लिया। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे वो तुम्हारे लिए आ रहा है। घर वालों ने उसे तुम्हारे लिए बुलाया। ये तो उसके आने के बाद ही पता चलेगा कि वो किसके लिए आ रहा है। उसकी छोड़, अपनी बताओ किसके लिए आ रहा है? तुम्हारे लिए। यही सुनना चाह रही हो ना? मैं ये सिर्फ सुनना नहीं चाह रही, करना भी चाह रही। मारी पहले कोई खून की बोतल नहीं जो तुम्हें देने से मुझे सवाब मिल जाएगा। और ये सवाब वो खुद कमाना चाहे तो क्या करोगी? जाते जाते ये तो बताती जाओ वॉकअप रहा। मैं क्या बताती जाऊँ, उसने मुझे कोई आने की तारीख नहीं दी। अब ये नहीं पूछूंगी कि आने की तारीख क्यों नहीं बताई। तुम ना भी पूछो तो मैं बता देती हूँ। कहता है कि मोहब्बतों में आने वाली बारातें तारीख पता कर नहीं आती। जब बारात दरवाजे पे आ खड़ी होती तब पता चलता है कि वो आ गई। इसका मतलब मारूफ अली नहीं आएगा, उसकी बारात आई। यही कह रही, याद रख बहुत सी बारातें दुल्हनों की चौखट से खाली हाथ वापस चले जाते। अब
आप सबको हमारा यहाँ आना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। यकीन जानिए आपसे ज्यादा हमें अच्छा नहीं लग रहा। मैं आपकी बात को झुठला नहीं सकता, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा, आपकी बेटी वरदा भी हमारे लिए उसी तरह है जैसे हमारी बेटी लीना। माफ कीजिएगा भाई साहब, हमारी वरदा बिल्कुल भी आपकी लीना की तरह नहीं। वरदा सुबह घर से यूनिवर्सिटी गई, यूनिवर्सिटी से हमाद ने उसे आपके घर पर छोड़ा और उसके बाद से वो लापता है, इसीलिए आपके घर आया। सब क्या है, ये लोग क्यों आए हैं यहाँ? ये मेरी फ्रेंड वरदा के घर वाले हैं। लेकिन ये यहाँ क्यों आए और इतने गुस्से में क्यों है? वरदा सुबह यहाँ घर आई थी, उसके बाद उसका कुछ अता पता नहीं है, ये उसे यहाँ ढूंढते हुए आए हैं। मुझे बड़े अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि आपकी बातें और आपसे मुलाकात दोनों मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उज़ैब, तुम चुप रहो। कैसे चुप रहा हूं अबूजी? इनके बेटे की वजह से लीना ने खुदकुशी करने की कोशिश की और ये यहां हमारे घर में बैठ के हमारे ही सामने हमें बातें सुना रहे हैं। ठीक कह रहे हो, मेरे बेटे की वजह से लीना ने खुदकुशी करने की कोशिश की, गलत था। लेकिन आपकी लीना ने हमारे यहां आकर मेहमानों से भरी महफिल में हमारी इज्जत उछाली, वो भी गलत था। इस सब में जितना कसूर लीना का है ना, उतना ही कसूर मेरे बेटे का भी। लेकिन इसमें हमारी वरदा का कोई कसूर नहीं, और उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ा ना तो मैं कर गुजरूंगा। इसके लिए आप प्लीज कोई कंप्लेन मत कीजिएगा मुझसे। बहुत खूब, हमारे ही घर में बैठकर हमें धमकी दे रहे हैं। आफाक साहब, आपको मेरी धमकी तो सुनाई दे रही है, हिम्मत दिखाई नहीं दे रही मेरी? अपनी ही बेटी को ढूंढता फिर रहा हूं मैं, और आपसे गुस्से भी नहीं होगा। आपकी बेटी ने मेरे बेटे के लिए जो मेरी बेटी के साथ किया है ना, वो कुछ अच्छा नहीं किया। इसलिए आप भी ये मत समझिए कि यहां बैठकर मैं अच्छा अच्छा बोलूंगा। चलिए फरार बेगम। लीना, सच बताओ मुझे, हमाद ने और तुमने मिलकर अगर कोई बेवकूफी की है तो बता दो। नहीं नहीं अम्मी, आपकी कसम मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। और हमाद ने? उसकी कसम मैं नहीं ले सकती। देखो, अगर उसने वरदा के साथ कुछ किया है तो तुम्हारे लिए किया होगा, नाम तो फिर भी तुम्हारा आएगा। अम्मी, मुझे क्या पता ये हमाद और वरदा क्या करते फिर है। पता नहीं क्या हो रहा है। इश्क खाकी है तो इश्क है खुदा, इश्क खाकी है तो इश्क है खुदा, जान देने का ही मतलब है वफा। हम सफर कोई तो रहे कब तक, दिल के और खून के रिश्ते जुदा। जान भी लेके कोई रूठ गया, एक ही पल में भरम
सॉरी डैड, मैं वर्दा को ढूंढ नहीं पाया, पता नहीं कहाँ चली गई वो। जानता था यही जवाब होगा तुम्हारा, इसीलिए मैंने एसएचओ साहब को जहमत दी और यहीं बाहर बैठ के तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। एसएचओ साहब, ये है हमाद। मेरा अकलौता बेटा, मेरी घर की इज्जत का दुश्मन। अरेस्ट कर लें आप इसे, और मेरी तरफ से आपको पूरी इजाजत है जिस तरह मर्जी इंटरोगेशन करें इसकी। अख्तर जी सर, अरेस्ट करो इन्हें। बुरहान, बुरहान, ये सब क्या हो रहा है? आप खुदा के लिए ऐसा कुछ मत करें। अगर वरदा आपकी बेटी है, आपकी भांजी है, इसकी मंगेतर भी तो है, क्या कर रहे हैं आप बुरहान? क्या हो गया आपको? मंगेतर होने की सजा ही तो मिल रही है उसे। आपको क्या लग रहा है, हमाद ने हमारी वरदा को गायब करवाया? आपको क्या हो गया? हमारा बेटा है वो। ये जो तुम उसकी तरफदारी कर रही हो, दुआ करो कि सिर्फ गायब करवाया, जान से ना मार दिया उसको। आप अपना फर्ज पूरा करें। नहीं प्लीज, मेरा आपका बेटा है। अगर वो आपकी बेटी है तो ये भी आपका बेटा है। क्या हो गया आपको? मेरा बेटा, बुरहान, डू समथिंग, बुरहान, प्लीज, प्लीज मेरी बात सुने। हमारे घर में आकर हमारी बच्ची के बारे में वो बातें करते रहे और हम चुपचाप बैठे रहे, किसी ने कुछ नहीं कहा उनको। ये मत भूलो साइमा कि ये मौका हमारी बेटी ने दिया है उन्हें, और इन सारी बातों में आपको हमाद का कसूर दिखाई ही नहीं देता। पहले अपना घर देखना चाहिए बेटा, अपना घर, फिर किसी दूसरे पे गुस्सा करना चाहिए। आप लोग आपस में बहस क्यों कर रहे हैं? हमाद और लीना की बात पर जितनी बात होगी उतनी ही बात बिगड़ेगी। भाई साहब, क्या हुआ? साहब जी, बाहर पुलिस आई है। पुलिस? ठीक है, तुम जाओ हमारे, मैं तरह देख। पुलिस क्यों आई है? आए भाभी, जी फरमाई। इससे पहले कि आप हमसे पूछे कि हम यहाँ पर क्यों आए, हम आपको खुद ही बता देते हैं कि हम यहाँ पर क्यों आए। हमारे पास लीना आफाक का अरेस्ट वारंट है। इस तरह बगैर इजाजत किसी के घर में घुस आना, ये वारंट इस चीज की इजाजत नहीं देता। आपको पूरा हक है कि आप अदालत में जाके चैलेंज कर सकते हैं। फिलहाल हमें अपना काम करने दो। आप इतने धड़ल्ले से हमारे घर में घुसे हैं, मेरी बहन लीना आफाक को गिरफ्तार करना चाहते हैं, बता सकते हैं कि इस जुर्म में उसे गिरफ्तार करने आए हैं? उस मुजरिमा पे एक लड़की के अगवा का इल्जाम है। दुआ करें कि अगवा हो, कत्ल का केस ना बन जाए। क्या ये लीना है? नहीं, ये मेरी भतीजी। सर, वो तो नहीं है लड़की। क्या वो लीना है? जी। चाहे गिरफ्तार करें। नहीं नहीं, कैसे कर सकते हैं आफाक, रोके इनको। आप ऐसे कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं उसे, दिखाइए मुझे। आफाक, रोके इनको, ये सब क्या हो रहा है? आप रोकते क्यों नहीं है उसे? बेटा रोको इनको। अरे आप दोनों क्यों इस तरह से खड़े हुए हैं? कुछ चलो, रोको, खबरदार, मुझे हाथ लगा दो, छोड़े मुझे, पकड़े इसे। क्या कर रहे हो? छोड़े, चलो छोड़े, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़े मुझे। क्यों खड़े हैं चुपचाप दोनों? कुछ करते क्यों नहीं हो? जाकर रोको उन्हें। अरे ये क्या? आफाक, 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 आप लोग खड़े देख क्या रहे हो? बहुत बुरी है। आफाक, उज़ैब, इनको रोको, ये क्या हो रहा है? रोके तो सही इनको। लीना, लीना, सायमा, सायमा, खुद को संभालो। भाभी, सायमा, भाभी, देखो, भाभी,
मैं आपको बता रहा हूं ना, मैं आज नहीं आ सकता, घर में कुछ मसला है, बाद में बात करता हूं आपसे। परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम्हारी मां की तबीयत अब बेहतर है। वकील को साथ लेकर थाने जाओ और हर सूरत लीना को घर लेकर। लेकिन अबू अगर केस सीरियस हुआ तो? बेटा, शक की बुनियाद पर लीना को गिरफ्तार किया पुलिस ने। वकील कानूनी तकाजे समझता है, वो कर लेगा सब। तुम जाओ उसको लेकर। आप वकील साहब को फोन कर दीजिए, बता दें कि मैं आ रहा हूं। ठीक है। मैं हमाद से मंगनी तोड़ रही और उसका घर छोड़ के जा रही, बल्कि ये बताने आई क्या कि तुम हमाद के लिए अपनी जान दे सकती हो ना, तो मैं अपनी जिंदगी दे सकती हूँ। नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, आप परेशान ना हो। नहीं नहीं बेफिक्र हो जाए, खुदा तो इतनी इमरजेंसी में बुला लिया आपने। अब्बू से आपकी बात हुई? हाँ मेरी बात तो हुई, लेकिन उन्हें कोई डिटेल में कोई बात नहीं बताई। दरअसल पुलिस ने मेरी बहन को अरेस्ट कर लिया है। ओह। और अब्बू का कहना था कि उसको फौरन यहाँ से लेके आना। हाँ हाँ आप बेफिक्र हो जाए, वैसे तो अभी SHO गया हुआ राउंड पे, लेकिन हम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं और उसको साथ लेके चलेंगे। आए आए आई प्लीज। मैं भी कितनी पागल हूँ, सारा नहीं सोचती कि किससे बात कर रही हूँ। पागल तो मैं हूँ जो तुम्हें यहाँ छोड़ने चला हूँ। क्यों? तुम्हारे लिए मुझे छोड़ने के लिए सबसे अच्छी जगह है। सुबह होने दो, फिर यही गिलास होगा और यही पानी होगा। आपने तो कहा था कि सुबह होने से पहले लीना आ जाएगी। कहा था मैंने, लेकिन अभी सुबह तो नहीं हुई ना। नूर बेटा, तुमने हमसे पूछे बगैर चाय बना दी। भाई साहब, मैंने ही कहा था रात से किसी ने कुछ नहीं खाया। ओ, इशरत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो लीना तुम्हारे साथ नहीं आई? नहीं। क्यों नहीं लाए उसे? क्या वकील को लेकर नहीं गए थे? वकील को लेकर गया था, लेकिन तो फिर क्या हुआ? क्या बुरहान अहमद ने कोई मसला खड़ा किया? बुरहान अहमद ने कुछ नहीं किया, SHO ने मना कर दिया। क्या कह रहा है SHO? वही कहता है जो बुरहान अहमद हमारे घर पे आके कह के गए थे कि जब तक उनकी लड़की वापस नहीं आ जाती, हमारी लड़की भी घर नहीं जाएगी। ये बुरहान अहमद अपने बेटे का किया धरा हमारी बेटी पे क्यों डाल रहा है? उसे अपना बेटा नजर नहीं आता? हमाद भी थाने में ही है, उन्होंने अपने बेटे और लीना दोनों पे FIR कटवाई है। दोनों एक ही थाने में एक ही केस में गिरफ्तार है। अरे सर, बहुत जबरदस्त शो था, मजा आ गया आज तो। बॉस आए तो उनसे कहना कि मुझे ये लेट नाइट शो नहीं करना। वो क्यों सर? रात 2 बजे से सुबह 4 बजे वाला शो सुनता कौन है? सर सुनते हैं जिनको नींद नहीं आती। और आपके ख्याल में किनको नींद नहीं आती?
सर आशिकों को नहीं, ज़हनी तौर पर बीमार और पागल लोगों को, और उन्हीं की वजह से मुझे ये शो नहीं करना। अरे सर, सर मेरा ये मकसद नहीं था सर। क्या हुआ? पता नहीं साहब, वहां पे एक लड़की बेहोशी की हालत में गिरी है। क्या हुआ भाई, हटना। एम्बुलेंस। हाथ से हाथ कोई